प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता के गढ़ कोलकाता में हैं, क्या कुछ कह रहे हैं दिखा रहे हैं आपको। और बंगाल की जनता का मिजाज मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं। बंगाल की जनता की ताकत है कि अब इन योजनाओं से लोगों को वंचित कोई नहीं रख पाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक वीर बेटे बेटियों ने जिस गांव गरीब के लिए आवाज उठाई, उनका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की, किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष का सामूहिक संकल्प भी है, सामूहिक दायित्व भी है और सामूहिक पुरुषार्थ भी है। मुझे विश्वास है कि 21वीं सदी के नए दशक में जब दुनिया एक वैभवशाली भारत का इंतजार कर रही है, तब हमारी ये सामूहिक प्रयास दुनिया को कभी निराश नहीं करेंगे। ये हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ देशवासियों की संकल्प शक्ति और उनके सामर्थ्य पर अप्रतिम श्रद्धा होने के कारण मैं भारत के उज्जवल भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। और इसी विश्वास के साथ आओ हम कर्तव्य पथ पर चले, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आगे आए। 130 करोड़ देशवासी जब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो देश देखते ही देखते नई ऊंचाइयों को पार कर देता है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150 वर्ष के लिए और विकास परियोजना के लिए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको, पूरे पश्चिम बंगाल को, यहां के महान परंपरा को नमन करते हुए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ ये धरती प्रेरणा की धरती है, देश को जगाने का सामर्थ्य रखने वाली धरती है। यहां से पूरी ताकत से हमारे सपनों को समेटता हुआ नारा हम बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ने का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नागरिकता के मुद्दे पर टकराव के बीच प्रधानमंत्री मोदी 10 से 12 यानी आज तक कोलकाता का दौरा कर रहे हैं। आखिरी दिन उनका आज कोलकाता में है। कोलकाता पोर्ट के 150वीं सालगिरह के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, अभी आप उनको सुन रहे थे। और बीते लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद से यह पहला मौका है जब ममता के गढ़ में मोदी पहुंचे हैं।